नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स इन पॉटरी एंड सिरामिक इंडस्ट्रीज़ यानी कि पॉटरी और सिरामिक इंडस्ट्रीज़ जो रहता है उसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन वर्कर्स का करना है उसके बारे में आपको पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी सब्जेक्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग 2 और सब्जेक्ट कोड 104 उसका एग्जामिनेशन में आपको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स इन पोल्ट्री एंड सिरामिक इंडस्ट्री इस टाइप का रहता है। मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द सर्टिफाइंग सर्जन विद इन 7 days फ्रॉम द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट एंड देयर आफ्टर एट एवरी 3 months ऑफ वर्कर्स एंगेज विद ड्राई एंड अनफिटेड लीड कंपाउंड एंड एट 1 year ऑफ वर्कर एंगेज इन डस्टी प्रोसेस यानी कि कोई भी नया एम्प्लॉयमेंट अगर करते हैं कंपनी के अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 days के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट नया एम्प्लॉय आया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन सर्जन के पास करवाना चाहिए। इसके बाद हर 3 महीने उसका वर्कर्स जो उसमें काम करता है ड्राई एरिया में तो उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। और एवरी वर्कर्स का जो उसका इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं डस्टी प्रोसेस के अंदर तो उसका हर साल में वर्कर का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और उसका हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर 27A सेल बी ग्रांटेड बाय द सर्टिफाइड सर्जन यानी कि जो एम्प्लॉय का या जो वर्कर का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जो सर्जन देता है उसका फॉर्म नंबर 27 के हिसाब से होना चाहिए। रिकॉर्ड इन हेल्थ रजिस्टर यानी कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट आता है उनका सभी का एक हेल्थ रिकॉर्ड रजिस्टर होना चाहिए। अनफिट पर्सन कैन बी री एम्प्लॉयड आफ्टर फिटनेस सर्टिफिकेट बाय द सर्टिफाइड सर्जन यानी कि अगर कोई पर्सन अनफिट होता है तो उसका री एम्प्लॉयड करना चाहिए और उसको इसके बाद जो कुछ अगर डिसीज़ है उसको कंट्रोल करके उसको फिटनेस सर्टिफिकेट वापस मिलता है तभी उसको आपको वापस काम पे लेना है। थैंक यू दोस्तों।